अलैकुम डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप हम आज जो सिलसिला शुरू कर रहे हैं ये लास्ट लेक्चर की ही कड़ी है कि स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग कंपनी अकाउंट्स इनफैक्ट लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि विच टाइप्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी कैप्ट बाय द कंपनीज बाय द कंपनीज ऑर्डिनेंस नाइनटीन और उन बुक्स के बारे में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको डिटेल से बता दिया था कि बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री होती हैं बुक्स ऑफ सेकेंडरी एंट्री होती हैं और कुछ बुक्स जो होती हैं वो मेमोरेंडम के तौर पर मेंटेन की जा रही होती हैं लाइक स्टॉक रजिस्टर हो गया फिक्स्ड एसेट्स रजिस्टर हो गया इन्वेस्टमेंट्स के लिए रजिस्टर हो गया डेटर्स का रिकॉर्ड हो गया क्रेडिटर्स का रिकॉर्ड हो गया शेयर होल्डर्स का रजिस्टर हो गया all these registers are to be kept by the company, which is requirement of the company's ordinance 1984. but all these books are not the books of original entry, nor these are the books of secondary entries. so the books of accounts include books of original entry, books of secondary entry. these are the two books which are, in fact, kept. फॉर प्योरली अकाउंटिंग पर्पजेस ट्रांजेक्शन सबसे पहले रिकॉर्ड की जाती है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री में एंड देन वहां से पोस्ट की जाती है मेन लेजर वहां पर अकाउंट बैलेंसेस हासिल किए जाते हैं एंड दो अकाउंट बैलेंसेस आर शोन और प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट अब उनके बारे में डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो होती है वो मेमोरेंडम जो हमारे पास रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर मौजूद होती हैं। लास्ट लेक्चर में इंफॉर्मेशन इज टेकन एंड देन रिकॉर्डेड इन टू द बुक्स ऑफ अकाउंट उसमें हमने देखा था कि सेल्स इनवाइस होती है उसमें हमने देखा था कि परचेज इनवाइस होती हैं क्रेडिट नोट रिसीट्स और क्रेडिट नोट इशूड होते हैं और हमने कैश मेमो रिसीट और कैश मेमो इशूड की भी बात की थी हमने सो वर डॉक्यूमेंट्स जिस पे बेस करके हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं और ये तमाम बातें किस तनाजर में सीख रहे हैं एक अच्छा ऑडिटर बनने के लिए क्योंकि एक ऑडिटर को मालूम होना चाहिए के उसका ऑडिट क्लाइंट कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन कर रहा है और किन सोर्स डॉक्यूमेंट्स पर बेस करके वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन की जा रही हैं अच्छा ये तो बातें थी जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर ले थे टुडे वी विल डिस्कस रिगार्डिंग दीज बुक्स ऑफ अकाउंट्स के स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स और क्या हमसे रिक्वायर करती हैं वो जो कंपनीज ऑर्डिनेंस में रिक्वायरमेंट्स हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रेफरेंस में उनके मुताबिक कंपनी को और क्या कुछ बाकायदा तौर पर अपनाना चाहिए रिगार्डिंग दीस बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो जी सबसे पहली बात इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स के रेफरेंस में ये है कि आपको ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स एनुअली डिस्कार्ड नहीं कर देनी चाहिए लाइक like, आपने परचेज डे बुक बनाई ईयर 2007 की और ईयर 2008 में जाकर आपने कहा जी बस वो तो पिछले साल की होगी उसको जाया कर दो आपने ईयर 2007 की कैश बुक को जाया कर दिया स्टॉक रजिस्टर को जाया कर दिया फिक्स एसेट रजिस्टर को जाया कर दिया ऐसा नहीं करना कंपनीज ऑर्डिनेंस रिक्वायर करता है कि दीज़ बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड बी प्रिजर्वड फॉर 10 इयर्स यानी कि आप एक साल नहीं दो साल नहीं पांच साल नहीं दस साल तक अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को महफूज रखना होगा और कहां पर महफूज रखना होगी हा अल्बत्ता, आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट को कहीं और महफूज रख सकते हैं बशर्ते के रजिस्ट्रार शुड बी इंफॉर्म आप रजिस्ट्रार को इंफॉर्म कर देंगे कि जी हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट हमारे रजिस्टर्ड ऑफिस में नहीं पड़ी हुई ये फलाने ऑफिस में पड़ी हुई है लेकिन इन एनी केस यू हैव टू प्रिजर्व योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स फॉर टेन ईयरस अच्छा इन बुक्स ऑफ अकाउंट के बारे में कंपनी ऑर्डिनेंस मजीद एक बात रिक्वायर करती है वाज तौर पर वो क्या है कि दीज बुक्स ऑफ अकाउंट शुड गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द कंपनी एंड शुड कंटेन एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन अब ये वो बात है जो के बार बारहा हम पिछले लेक्चर्स के अंदर रिपीट कर चुके ये ट्रू एंड फेयर व्यू पेश करने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की होती है और ऑडिटर ने तो इस बात के बारे में ओपिनियन देना होता है कि मेरे मुताबिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही हैं स्टेट ऑफ अफेयर्स का उस कंपनी के अब ये कंपनीज ऑर्डिनेंस ने भी इसके बारे में वाजे कर दिया कि जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स आप मेंटेन कर रहे हैं कल को कहीं आप ये ना कहें कि जी हमें तो आपने बताया नहीं था इसलिए हमने बस मेंटेन कर लिया ये चीजें हमने रिकॉर्ड कर ली हैं कंपनी ऑर्डिनेंस रिक्वायर कर रहा स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है कि दीज बुक्स शुड गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी और फिर उसके लिए सिर्फ यही नहीं कि आपने परचेजेस को रिकॉर्ड कर लिया आपने फिक्स्ड एसेट्स को रिकॉर्ड कर लिया आपने लोन जो लिया है उसकी अकाउंटिंग एंट्री रिकॉर्ड कर ली बात खत्म हो गई आपसे रिक्वायर किया जा रहा है कि आपने उसकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन जो है वो बतानी होगी उससे जितनी भी डिटेल्स होंगी आपको वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर बताना होगा ताकि जो भी शख्स बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इंस्पेक्ट करे तो उसको ठीक तरीके से समझ आ जाए

तो उसके लिए भी आप एक रजिस्टर मेंटेन कर रहे होते हैं बहुत ज्यादा कर्जे ले रखे हैं तो उसका एक मेमोरेंडम रिकॉर्ड आपने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ मेंटेन करना होता है शेयर होल्डर्स का आपने रजिस्टर मेंटेन करना होता है डिवेंचर होल्डर्स का आपने रजिस्टर मेंटेन करना होता है ये तमाम मेमोरेंडम रिकॉर्ड है एस सच इन रिकॉर्ड्स के बगैर बैलेंस शीट बन जाती है और आपने बनाई है बचपन से आज तक आपने बैलेंस शीट को ट्रायल बैलेंस से उठाकर बनाया आपके पास कोई फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं थे आपका शेयर होल्डर्स रजिस्टर नहीं थे और आपने बैलेंस शीट बना ली थी तो बात ये हुई कि बैलेंस शीट का बनाया जाना जरूरी नहीं है सिर्फ और सिर्फ हमें हर तरह की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है हम चाहते हैं कि हमारी जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हर लिहाज से डिटेल्ड हो और यूजर जो हमारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का है वो उसको ठीक ठीक अंडरस्टैंड कर सकता हो ये चीज हम चाहते हैं उसके लिए डिटेल्ड इंफॉर्मेशन उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर प्रोवाइड कर देते हैं और स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वो बुक्स ऑफ अकाउंट सिर्फ इसी साल के अंदर नहीं मौजूद होती बल्कि पिछले दस साल की बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी हमारे पास मौजूद है यानी कि टेन इयर्स तक उसको हम प्रिजर्व करते हैं रजिस्टर्ड ऑफिस में या कहीं और रजिस्ट्रार की मर्जी के मुताबिक ठीक है ना और फिर ये कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स शुड प्रेजेंट फेयर ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ये बातें क्लियर होगी ये बातें थी जी बुक्स ऑफ अकाउंट्स से मुताल अब हम बातें करने लगे हैं एनुअल अकाउंट से मुतालक। जब बात करते हैं अकाउंट्स की तो एनुअल अकाउंट्स मींस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पहले भी आपको याद करवा चुका हूं मजीद सुन लीजिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट नहीं होती फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बैलेंस शीट इनकम स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी कैश फ्लो स्टेटमेंट एंड नोट्स टू अकाउंट्स जो कि आपको तमाम एक्सप्लेनेशन देते हैं और आपको बताते हैं कि किन अकाउंटिंग पॉलिसीज को फॉलो किया जा रहा था इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने के लिए अब यहां पर इन एनुअल अकाउंट्स के बारे में जो कि सालाना अकाउंट्स हमने पेश करने हैं उसके बारे में कंपनीज ऑर्डिनेंस की क्या रिक्वायरमेंट है तो कंपनीज ऑर्डिनेंस उस कंपनी के पहले एनुअल अकाउंट्स के बारे में यह कहता है कि फर्स्ट एनुअल अकाउंट ऑफ अ कंपनी मस्ट बी प्रेजेंटेड बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग विद इन एटीन मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अच्छा यह बात थी फर्स्ट एनुअल अकाउंट्स की अब देखिए इनकॉर्पोरेशन से ऑनवर्ड आपने एटीन मंथस के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करनी है इनकॉर्पोरेशन हो गए कंपनी इनकॉर्पोरेट हो गई उससे ऑनवर्ड 18 मंथ्स के अंदर अंदर आपने एनुअल जनरल मीटिंग कॉल करनी है ये पहली एनुअल जनरल मीटिंग होने जा रही है और इस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर आपने पहले एनुअल अकाउंट पेश कर देने ये स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि ऑडिटर को मालूम होना चाहिए क्योंकि इन्हीं रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक बनाए गए अकाउंट्स को वो ऑडिटर ऑडिट audit कर रहा है और उसने यही ओपिनियन देना है कि मेरे मुताबिक ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं अकॉर्डिंग टू द ऑफ द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 बनाई गई हैं अब अगर उसको रिक्वायरमेंट्स ही मालूम नहीं होगी तो ओपिनियन फिर उसका जो होगा वो किस बात पर बेस कर रहा है इसलिए ये बातें मैं आपको जो कि कल के ऑडिटर हैं समझा रहा हूं कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि पहले एनुअल अकाउंट्स जो हैं वो विद इन एटीन मंथस ऑफ द डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन आपको बनाने हैं और एनुअल जनरल मीटिंग में पेश करने अब पहले अकाउंट्स तो बन गए अब सब्सिक्वेंटली जो भी आपके एनुअल अकाउंट्स होंगे वो हर एनुअल जनरल मीटिंग से पहले बनाए जाएंगे और उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पेश किए जाएंगे एनुअल अकाउंट्स को एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर पेश किया जाना बहुत जरूरी है अब आपने अपने अकाउंटिंग ईयर की क्लोजिंग डेट से ऑनवर्ड्स एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान थ्री मंथ्स का वक्फा पाना है सिर्फ उस थ्री मंथ्स के वक्फे के अंदर अंदर ऑन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का बनाया जाना जरूरी है कि मैं मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं इस वक्त क्योंकि ये मैनेजमेंट के पास थ्री मंथ्स हैं उस मैनेजमेंट ने बैलेंस शीट डेट यानी कि क्लोजिंग डेट ऑफ द अकाउंटिंग ईयर बैलेंस शीट डेट से लेकर ऑनवर्ड्स थ्री मंथ्स के अंदर-अंदर अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनुअल अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है प्रेजेंट करना है, पेश करना है अपने शेयर होल्डर्स को और फिर उसने एनुअल जनरल मीटिंग भी जो है होल्ड करनी है और याद रखिए कि इसी दौरान में मैनेजमेंट ने अपने उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाना है यार? अब ऑडिट करवाने में भी टाइम लगता है लिहाजा मैनेजमेंट के पास क्लोजिंग डेट से ऑनवर्ड एनुअल जनरल मीटिंग के दरमियान में मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो थ्री मंथ्स है अच्छा यहां पर एक प्रोविजन मौजूद है कि इन द केस ऑफ लिस्टेड कंपनी द कमीशन एंड इन अदर केसेस द रजिस्ट्रार कैन एक्सटेंड दिस पीरियड ऑफ ए टर्म नॉट एक्सीडिंग टू मंथ्स कि ये जो थ्री मंथस का पीरियड है कंपनी की है कि थ्री के अंदर अंदर आपने इसको कंप्लीट करना तमाम प्रोसेस को अकाउंट्स प्रिपेयर करने के प्रोसेस को ऑडिट करवाने के प्रोसेस को प्रेजेंट करने के प्रोसेस को लेकिन यहां पर कमीशन लिस्टेड कंपनी की सूरत में और रजिस्ट्रार बाकी कंपनीज की सूरत में टू मंथ्स तक की एक्सटेंशन दे सकता है इससे ज्यादा की नहीं या एक और बात आप लोगों के लिए समझना बहुत जरूरी है कि कमीशन से क्या मुराद है और रजिस्ट्रार से क्या मुराद है वेन वी टॉक अबाउट कमीशन तो इट इज एस सी and Exchange सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड वेन वी टॉक अबाउट रजिस्ट्रार तो दिस रजिस्ट्रार इज द कंपनीज रजिस्ट्रार मैं पाकिस्तान के स्नैरियो में आप लोगों को इस वक्त ट्रेंड कर रहा हूं और पाकिस्तान के स्नैरियो में ही बातें करूंगा पाकिस्तान में एस का ऑफिस है इस्लामाबाद में मेनली, इज द कमीशन इज द बॉडी इन फैक्ट दैट रेगुलेट द कंपनी अफेयर्स दैट मॉनिटर्स द कंपनी अफेयर्स ठीक है ये तमाम कंपनीज के ऊपर एक अथॉरिटी है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब इसने चार रजिस्ट्रार बनाए हुए हैं पाकिस्तान में एक कराची में मौजूद है एक लाहौर में मौजूद है एक इस्लामाबाद में मौजूद है और एक आजाद कश्मीर में मौजूद है वो रजिस्ट्रार इस कमीशन के तहत कंपनी अफेयर्स को रेगुलेट कर रहे होते हैं अब बात यह है कि

एक ऑर्गेनाइजेशन है क्योंकि लिस्टेड कंपनी में पब्लिक का जो इंटरेस्ट है वो बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है लिस्टेड कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर मौजूद हैं ट्रेड होते हैं डेली उसके ऊपर बिड्स लगती हैं सेलिंग बाइंग हो रही है ब्रोकर्स मौजूद हैं हर तरह की फ्लक्चुएशन जो आपकी इकोनॉमी के अंदर है उस लिस्टेड कंपनी को अफेक्ट करती हैं उसके शेयर्स को उसकी शेयर वैल्यू को अफेक्ट करती हैं लिहाजा उसके बारे में कमीशन जो है हर लम्हा इंफॉर्म होनी चाहिए लिस्टेड कंपनी के बारे में तो बहुत सी इंफॉर्मेशन डायरेक्टली कमीशन से रिलेटेड होंगे हाँ जो नॉन लिस्टेड कंपनीज हैं या प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज जो हैं उनके बारे में रजिस्ट्रार के लेवल पर बहुत से मामला तय पा जाते हैं सो so, आपको ये कमीशन और रजिस्ट्रार की मोटी सी डिस्टिंक्शन बताने थी इस चीज को बाहर हाल जेन में रखिएगा कि जो रजिस्ट्रार है वो कमीशन ही का एक जैली अदारा कमीशन ही के कंट्रोल में है उससे हट के कोई और अदारा या उसके पैरल कोई अदारा नहीं है सो so, बात हो रही थी थ्री मंथस के अंदर अंदर कौन से थ्री मंथस फ्रॉम द बैलेंस डेट बैलेंस डेट मीन क्लोजिंग डेट ठीक है फ्रॉम द बैलेंसी डेट थ्री मंथ्स के अंदर अंदर एनुअल जनरल मीटिंग जो है होल्ड करना होती है और उस एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अकाउंट्स पेश करना होते हैं अकाउंट्स अकाउंट्स और उन को उन्हीं के अंदर अंदर ऑडिट भी करवाना होता है अप्रूव भी करवाना होता है और शेयर होल्डर्स को भी हमने भेजना होता है उस एनुअल जनरल मीटिंग से पहले पहले हा इस ड्यूरेशन के अंदर एक्सटेंशन मिल सकती है लिस्टेड कंपनीज को कमीशन की तरफ से और बाकी की तमाम कंपनीज को रजिस्ट्रार की तरफ से लेकिन वो एक्सटेंशन टू मंथ से ज्यादा की नहीं होगी ये बात क्लियर हम क्या पढ़ रहे, है? रहे हैं हम स्टेच्यूटरी रिक्वायरमेंट्स पढ़ रहे हैं रिगार्डिंग कंपनी अकाउंट क्लियर और कंपनीज को ही जरूरी होता है ऑडिट करवाना लिहाजा दिस इज वेरी मच पार्टी टू द कोर्स ऑफ ऑडिटिंग। अब अगली बात आती है अकाउंटिंग पीरियड की तो अकाउंटिंग पीरियड के रेफरेंस में हमें ये बात मालूम है कि हम 12 मंथ्स की अकाउंटिंग किया करते हैं जनरली हमने हमेशा से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाई है उसमें इनकम स्टेटमेंट फॉर द अकाउंटिंग ईयर एंडिंग ऑन अस्पेसिफिक डेट और बैलेंस शीट एज ऑन द स्पेसिफिक डेट क्लोजिंग डेट ऑल्सो नो एस बैलेंसीड डेट तो वो बारह महीनों का ही हुआ ना अकाउंटिंग ईयर लेकिन हम अकाउंटिंग पीरियड को बारह महीनों से कम या ज्यादा कर सकते हैं बाद सूरतों में वो जो भी सूर्त हाल होगी उसकी इजाजत आपको रजिस्ट्रार से लेना होगी कोई भी कंपनी को अगर वो अपने अकाउंटिंग पीरियड को बढ़ाना चाह रही है किसी भी दिना पर तो उसके लिए इजाजत कंपनीज रजिस्ट्रार देगा कि ठीक है जी आप ऐसा कर लें मन मर्जी नहीं होगी उस मैनेजमेंट की कि चाहे तो कभी ट्वेल्व मंथ्स की अकाउंटिंग बता दे और कभी ट्वेल्व मंथ्स से ज्यादा की अकाउंटिंग करके बता दे और कभी ट्वेल्व मंथ्स से कम की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पेश कर दे ठीक है जी ले, अभी तक जो हमने बात की वो हमने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बाद एनुअल अकाउंट्स की बात की और अकाउंटिंग पीरियड की बात की अब मैं बात करने लगा हूं ऑडिटेड अकाउंट्स के बारे में जब हम बात करते हैं ऑडिटेड अकाउंट्स की तो फौरी तौर पर जहन में आ जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऑडिट audit एक ऑडिटर से करवाया जा रहा है और अगर वो कंपनी है तो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट उस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करने के लिए क्वालिफाई करता है ये वो बुनियादी बातें हैं आपको गिनवा चुका हूं बैलेंस शीट इन्वॉल्व है इनकम स्टेटमेंट जिसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन एक्विटी है कैश फ्लो स्टेटमेंट है नोट्स हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एक्सप्लेनेशन के लिए इन सबको ऑडिट करवाना जरूरी है और वो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलोंग विद द ऑडिटर्स रिपोर्ट इनको तमाम शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग और जो कंपनीज ऑर्डिनेंस की रिक्वायरमेंट है इसके बारे में वो कुछ यू बयान की जाती है कि कॉपी ऑफ अकाउंट्स, ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट शुड बी सेंड टू एवरी मेंबर एटलीस्ट ट्वेंटी वन डेज बिफोर द एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो ऑडिट भी हो चुकी होंगी अलोंग ऑडिटर्स रिपोर्ट एंड डायरेक्टर्स रिपोर्ट अपने शेयर होल्डर्स को एनुअल जनरल मीटिंग के होल्ड होने से 21 डेज पहले अपने मेंबर्स को भेजनी है अब आप देख लीजिए कि वो मेंबर्स जो शेयर होल्डर्स हैं जिन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग में अप्रूव करना है इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उन मेंबर्स को 21 वन डेज पहले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑडिट करके पहुंच जाने चाहिए तब जाकर एनुअल मीटिंग के अंदर वो मैं शेयर होल्डर्स उन ऑडिटेड अकाउंट्स के बारे में कोई एतराज अगर हो तो वो कर सकते हैं या उसके बारे में मैनेजमेंट से या ऑडिटर्स से एक्सप्लेनेशन ले सकते हैं और आपको बताया हुआ है कि जिस जनरल मीटिंग में ऑडिटेड अकाउंट्स पेश होना हो वहां पर ऑडिटर को खुद से या उसके रिप्रेजेंटेटिव को मौजूद होना जरूरी है उसकी ड्यूटी है ये हमने ड्यूटीज में पढ़ा था अब वहां पर एनुअल जनरल मीटिंग में ऑडिटर मौजूद होगा बात क्लियर अच्छा जी ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई जा रही हैं जिनको बनाने के लिए कंपनीज ऑर्डिनेंस बात कर रहा है, वो कंपनीज ऑर्डिनेंस साथ ही साथ अपने में कंपनीज ऑर्डिनेंस के साथ ना कुछ स्केज अटैच हैं, उनमें इनके कंटेंट्स के बारे में भी बताता है कि आपने इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या कुछ शो करना है ब्रीफली उसके बारे में मैं आपको बता देता हूं जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनके लिए है फोर्थ स्केजल ऑफ द कंपनीज़ ऑर्डिनेंस 1984 और जो नॉन लिस्टेड द कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 है जिसमें के बताया गया है कि आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनानी है जो एनुअल अकाउंट्स बनाने हैं उनको किस तरतीब से शो करना है उसके अंदर कॉन्टेंट्स क्या होना चाहिए मैं इसकी डीप डिटेल में इस वक्त नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं कंपनी जो, जो अभी जस्ट मैं में आपको शो करूंगा ये आप डिटेल से प्रीवियस कोर्सेज में पढ़ चुके हैं जो एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग का कोर्स था उसके अंदर आप डिटेल से इस बात को पढ़ चुके हैं लेकिन यहां पर मैं इस लेक्चर को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए इन चीजों को आपके सामने पेश कर रहा हूं ताकि अगर इंडिपेंडेंटली इस लेक्चर को भी आप ले रहे हो तो आपको वो तमाम बातें रिकॉल हो जाएं जो कि इनफैक्ट इस वक्त इस लेक्चर की जरूरत है तो देखिए इस वक्त हमारे सामने एक लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी की बैलेंस शीट मौजूद है यहाँ पर मैंने ये चीज डिस्क्राइब नहीं की कि ये लिस्टेड कंपनी है कि नॉन लिस्टेड कंपनी मैंने जनरल एक कंपनी फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का वो आपके सामने पेश कर दिए बहरहाल आपके जहन में होना चाहिए कि इफ द कंपनी इज अस्टेड कंपनी तो उसके लिए फोर्थ स्केज मौजूद है और इफ अ कंपनी इज नॉन लिस्टेड कंपनी तो उसके लिए फिफ्थ स्केजल ऑफ दर्डीनेंस मौजूद है इसकी डिटेल अगर आपने पढ़नी हो इस पे रिसर्च करनी हो तो मैंने आपको एक लिंक दे दिया है इससे ऑनवर्ड्स आप इसकी डिटेल रिसर्च कर सकते हैं इस वक्त जो आपको फॉर्मेट दिखाया जा रहा है एक जनरली जो एक कंपनी बैलेंस शीट का फॉर्मेट है या कंपनी की इनकम स्टेटमेंट का फॉर्मेट है वो कैसा होना चाहिए वो मैं बात आपके सामने पेश कर रहा हूं तो इसमें एसेट्स एसेट्स की कैटेगरीज जब की जाती हैं तो बुनियादी तौर पर दो कैटेगरीज़ हैं नॉन करंट एसेट एंड करंट एसेट्स नॉन करंट एसेट्स में फर्दर उसको कैटेगराइज किया जाता है फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स लॉन्ग टर्म एडवांसेस डिपॉजिट्स एंड प्रीपेमेंट्स एंड डेफर्ड कॉस्ट जो फिक्स्ड एसेट्स हैं वो फर्दर स्प्लिट किए जाते हैं इनटू टू कैटेगरीज़ टैन्जिबल फिक्स्ड एसेट्स एंड इंटैन्जिबल फिक्स्ड और ये जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स हैं इसके बारे में आपको पहले से ही मालूम है कि टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स में लैंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी फर्नीचर एंड फिक्सचर मोटर व्हीकल्स इस किस्म के तमाम ये फिक्स्ड एसेट्स आ जाया करते हैं और इन टेंजिबल फिक्स एसेट्स की जब बात करते हैं उसमें कापी पेटेंट्स सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न इस किस्म की तमाम बातें आ जाती हैं इंफॉर्मेशन आपकी फिक्स्ड एसेट के तहत आती है सो so, एक बैलेंस शीट में जब हम एसेट्स की बात करेंगे तो सबसे पहले नॉन करंट एसेट्स उसकी डिटेल मैंने आपको बता दी और उसके बाद करंट एसेट्स अब जो करंट एसेट्स हैं ये भी आपने एक तरतीब में लिखने हैं। मैं यहां पर आपको दोबारा से बताता चलूं कि हम इस वक्त डिटेल्ड तरकीब जो इसकी है वो नहीं सीख रहे उसके लिए आप बेशक स्केड में जाके देख लीजिएगा बस जनरल मोटी मोटी सी एक दो बातें मैं आपसे कर रहा हूं अब लाइक जो करंट एसेट्स हैं उसमें सबसे पहले आप स्टॉक लेंगे और सबसे आखिर में आप कैश इन हैंड लेंगे ठीक है यानी कि ये ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग जो है ये कंपनीज ऑर्डिनेंस के रेफरेंस में बहुत जरूरी है कि आपने जो कंपनीज ऑर्डिनेंस ने आपको ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग के रेफरेंस में बता दिया आपने उसको फॉलो करना अब करंट एसेट में सबसे पहले आपने स्टॉक्स को लेना है फिर ऑनवर्ड आपके रिसीवेबल्स और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म लोन एडवांसिस कैश एट बैंक और फिर फाइनली कैश इन हैंड एनीवेज़ ये मैंने आपको एक तरतीब जस्ट याद दिलाई है इसी तरह से हम बात करेंगे ऑनर्स इक्विटी की साइड की उसे आप देखिए ऑनर्स इक्विटी में हम शेयर कैपिटल की बात करेंगे ऑर्डनरी शेयर कैपिटल की और रिजर्व की बात करेंगे फिर उसके बाद हम नॉन करंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं अब ये चीज जहन में रहे आपके कि शेयर कैपिटल एंड रिजर्व मिलके ऑनर्स इक्विटी बन गए और जो आपकी नॉन करंट लाइबिलिटीज हैं वो जब आपकी ऑनर्स इक्विटी में शामिल होती हैं तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड की फिगर आ जाया करती है ये कैपिटल एम्प्लॉयड रिप्रेजेंट कर रही है किसको उन एसेट्स को जो कि आपके नॉन करंट और करंट हैं माइनस करंट लायबिलिटीज के बाद जो आपके पास फाइनल पोजीशन आती है उस पोजीशन को लिहाजा एक नजर दोबारा बैलेंस शीट को देख लेते हैं आपको नजर आ रहा है कि आपने टोटल एसेट्स में से करंट लाइबिलिटीज को लेस किया तो आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड आया और फिर आपने इसको

फिर उसके बाद आप ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस को लेस करते हैं फिर उसके बाद आपके पास जो प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन आता है उसमें अदर को को करते करते हैं करते हैं फाइनेंशियल और और इनकम टैक्स टैक्स लेस प्रॉफिट आफ्टर आता है अब ये फॉर्मेट जो है एस सच कंपनी ऑर्डिनेंस में इस तरतीब से नहीं दिया हुआ लेकिन आपको मालूम ही है कि बहुत सी चीजें जो हैं हमने इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड से भी अपनानी है क्योंकि

जो हमने पे किए इस साल में उसे माइनस किया और फिर जो रिजर्व की तरफ हमने प्रॉफिट को ट्रांसफर किया वो लेस किया तो हमारे पास रिटेन प्रॉफिट आ जाता है सो so, ये आपके पास स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी एक बहुत अहम कंपोनेंट है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का आपने जिसके अंदर प्रॉफिट की अप्रोप्रिएशन बता दी जो प्रॉफिट हमें ड्यूरिंग द ईयर अर्न हुआ उसको हमने किस तरह से अप्रोप्रिएट किया उसमें से कितना प्रॉफिट डिविडेंड के तौर पर दिया कितना प्रॉफिट जो है वो रिजर्व्स के तौर पर हमने ट्रांसफर कर दिया और अब कितना प्रॉफिट हमारे पास मौजूद है हमारी ओनर्स इक्विटी में रिटेन्ड प्रॉफिट के नाम पर सो so जी ये मैंने आपको तीन अहम कंपोनेंट्स के फॉर्मेट दिए इसके अलावा कैश फ्लो स्टेटमेंट है और नोट्स की बातें हैं वो भी आपके एनुअल अकाउंट्स का हिस्सा होती हैं उसके लिए मैं आपको एक बात बड़ी ताकीदन कहूंगा कि आप किसी भी लिस्टेड कंपनी की एनुअल रिपोर्ट जरूर अपने पास रखिए किसी भी कंपनी की उसके लिए यू सिंपली विजिट स्टॉक एक्सचेंज अगर आप लाइक like लाहौर में कराची में या इस्लामाबाद में रहायश पजीर हैं, तो आप इन तीनों स्टॉक एक्सचेंजेस में जा सकते हैं क्योंकि पाकिस्तान में यही तीन स्टॉक एक्सचेंजेस हैं और अगर आप कहीं और रहते हैं तो आप किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म के पास चले जाइए उनसे आप कहिए कि जी हम इस तरह से ऑडिटिंग के स्टूडेंट हैं और हमें एक एनुअल रिपोर्ट रिक्वायर्ड है आप प्लीज हमारी हेल्प कीजिए हमें एक एनुअल रिपोर्ट दे दीजिए वो आपकी जरूर हेल्प करेंगे आप चाहें तो किसी बैंक से भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट ले सकते हैं क्योंकि बैंक ने भी लोन्स एडवांस करने के लिए कंपनी से ऑडिटेड अकाउंट्स मंगवाए होते हैं वो भी आपकी हेल्प कर सकते हैं बड़ी प्यार मोहब्बत से आप उनसे बात करेंगे वो आपको जरूर हेल्प करेंगे इन शाह आपके पास

और नोट्स में क्या बातें होती है वो भी मिल जाएगा आपके लिए जानना बहुत जरूरी है कि कंपनी अकाउंट्स के नोट्स में क्या इंफॉर्मेशन मौजूद होती है अकाउंटिंग पॉलिसीज़ किस तरह से बताई जाती हैं कौन कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज होती हैं और एक्सप्लेनेटरी डिस्कलोजर्स क्या होते हैं अब जो अहम बात हम इस वक्त सीखने जा रहे हैं वो ये है कि इन अकाउंट्स को अप्रूव किसने करना है जो अप्रूवल है इन अकाउंट्स की वो बीओडी से है सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इसको अप्रूव करती हैं अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में इसकी जब अप्रूवल हो जाती है फाइनली कौन अप्रूव करते हैं है? उसके लिए ऑर्डिनेंस तो की रिक्वायरमेंट ये है कि द अकाउंट शुड बी अप्रूव बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स

इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कि जी हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई है हम इसकी जुम्मेदारी लेते हैं सिग्नेचर कर देते हैं चीफ एग्जेक्टिव एंड डायरेक्टर अगर चीफ एग्जेक्टिव पाकिस्तान में नहीं है तो उसको कोई एक और डायरेक्टर साइन कर देगा सो so, अब दो डायरेक्टर्स जो हैं उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव कर रहे होंगे बात क्लियर हो गई ना बुनियादी तौर पर चीफ एग्जेक्यूटिव और एक डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी लेने के लिए उस पर सिग्नेचर कर देते हैं अगर चीफ एग्जेक आउट ऑफ द कंट्री है तो फिर दो डायरेक्टर्स जो हैं, उसको साइन कर रहे होंगे। हाँ साथ रीजन जरूर बता देंगे कि क्यों चीफ एग्जेक जो है वो साइन नहीं कर सका इसको अच्छा अब नेक्स्ट बहुत अहम बात वो ये कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई गई इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को हमने सर्कुलेट करना होता है उसके बारे में कि दीज़ कॉपीज़ ऑफ इनकम स्टेटमेंट्स शुड बी फॉरवर्डेड टू द रजिस्ट्रार कमीशन एंड स्टॉक एक्सचेंज लिस्टेड कंपनीज़ के लिए दिस इज मैंडेटरी कि वो कमीशन यानी कि एस रजिस्ट्रार कंपनीज रजिस्ट्रार एंड स्टॉक एक्सचेंज को अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलॉन्ग विद ऑडिटर्स रिपोर्ट इसकी फाइव फाइव कॉपीज प्रोवाइड करेंगे लिस्टेड कंपनी कोई छूट नहीं अपनी ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसको जी कंपनीज रजिस्ट्रार सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान एंड स्टॉक एक्सचेंज जहां पर वो रजिस्टर्ड है उन्हें पांच पांच कॉपीज वो प्रोवाइड करेंगे और अगर वो लिस्टेड कंपनीज़ नहीं है तो नॉन लिस्टेड कंपनी के लिए रिक्वायर्ड है कि वो दो कॉपीज़ जो हैं वो पेश करेंगे एंड प्राइवेट कंपनीज़ आर नॉट रिक्वायर्ड टू लें जी ये बात थी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को सर्कुलेट करने के रेफरेंस में कि लिस्टेड कंपनीज़ के लिए तो जरूरी है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए कोई जरूरी नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज़ बिल्कुल भी किसी को ना पेश करें क्योंकि आप देख लें सेंसिटिविटी जहां पर ज्यादा है वहां पर आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू एंड फेयर व्यू पेश कर रही है कि नहीं यहां लिहाजा फिर वो जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मंगवाती हैं और उसको पढ़ती हैं और सारा उसके ऊपर फिर अपना प्रोसेस चलाती हैं प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए इतना ज्यादा वो संजीदा नहीं होती क्योंकि आपको मालूम ही है कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है फैमिलीज या फ्रेंड्स आपस में मिलकर चला रहे होते हैं अच्छा अब लिस्टेड कंपनीज के लिए एक और बहुत अहम बात वो ये कि लिस्टेड कंपनीज क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट करवाएं या ना करवाएं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को उन्होंने प्रोवाइड करना होता है अपने मेंबर्स को भी और रजिस्ट्रार को भी और स्टॉक एक्सचेंज को भी अब वो जो क्वार्टरली अकाउंट्स हैं क्वार्टरली प्रिपेयर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं सिर्फ लिस्टेड कंपनी के लिए जरूरी है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट क्वार्टर सेकेंड क्वार्टर थर्ड क्वार्टर क्योंकि फोर्थ क्वार्टर पे तो जब खत्म करेंगे तो बाद पूरा साल कंप्लीट हो गया ना तो ये फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वार्टर के रेफरेंस में जहन में रखिएगा कि लिस्टेड कंपनी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आइदर दो हजार ऑडिटेड और नोट देशन फाइल विद द रजिस्ट्रार एंड द कमीशन थ्री कॉपीज दे रोफ और हां इसकी अप्रूवल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से लेना जो है मैंडेटरी होगी सो यह बात क्लियर हो गई कि क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट नॉन लिस्टेड कंपनीज को सर्कुलेट करना कोई जरूरी नहीं है प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज की तो बात ही नहीं जरूरी उसको तो आप छोड़ ही देना हाँ अलबत्ता लिस्टेड कंपनीज वो अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उस क्वार्टर के एंड होने के बाद विद इन वन मंथ रजिस्ट्रार को भी और कमीशन को भी भेज देंगे और ये क्वार्टरली रिपोर्ट्स मेंबर्स को भी और जिस स्टॉक एक्सचेंज में वो रजिस्टर्ड हैं उस स्टॉक एक्सचेंज को भी भेजी जाती हैं असल में बात फिर वही आ गई कि ट्रांसपेरेंट रखना चाह रहे हैं हर बात को और हर बात को बता देना चाहते हैं अपने यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कि जिस क्वार्टर में हमने ये कुछ किया हमारी फाइनेंशियल पोजीशन ये है हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ये है हमारी कैश फ्लोज ये है। और इसको ऑडिट करवाएं या ना करवाएं ये कोई इतना जरूरी नहीं है क्लियर जी ये बातें अच्छा हमने जो अब आज सारी बातें की उसके अंदर हमने देखा कि ऑडिटर इन सारी बातों में क्यों इंटरेस्ट लेता है कि इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनाई जानी चाहिए कितने टाइम ड्यूरेशन के अंदर उनको अप्रूव करवा लेना चाहिए कितनी देर पहले उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को मेंबर्स की तरफ भेज देना चाहिए एनुअल जनरल मीटिंग से पहले फिर एनुअल जनरल मीटिंग कब होल्ड होना चाहिए फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अप्रूव करने के लिए किस किस के साइन होना जरूरी है डायरेक्टर्स में से या बीओडी में से और फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्वार्टरली जो इशू की जाती हैं वो भी इशू की जाए ऑडिटर को इसके बारे में भी मालूम होना जरूरी है इस किस्म की सारी बातें जो आज हमने पढ़ी हैं इसके बारे में ऑडिटर क्यों इंटरेस्टेड है ये एक आखिरी बात आज की देख लीजिए कि ऑडिटर इंटरेस्टेड इन बुक्स एंड अकाउंट्स बिकॉज दे आर डायरेक्टली कंसर्न विद द अकाउंट्स ये बात तो हमने समझी हुई है कि ऑडिटर्स काम ही वहां से शुरू करते हैं जहां पर अकाउंटेंट का काम खत्म होता है तो ऑडिटर्स आर डायरेक्टली कंसर्नड विद द अकाउंट्स इसलिए उन अकाउंट्स के बारे में ऑडिटर को इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है और दे आर ऑडिट एविडेंस टू बी यूज्ड इन वेरीफाइंग डिटेल्ड आइटम्स इन द अकाउंट्स ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स ये ऑडिटर को एविडेंस प्रोवाइड कर रही होती हैं बहुत सी चीजों के बारे में लाइक like मैंने आपको बताया था कि कुछ मेमोरेंडम रिकॉर्ड होते हैं जिसमें का रजिस्टर है जिसमें फिक्स एसेट्स का रजिस्टर है अब ये जो रजिस्टर्स हैं, ऑडिटर इनको क्लोजली ऑब्जर्व करता है कि रजिस्टर्स मेंटेन किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे कब किए जा रहे हैं कौन कर रहा है कितना इंडिपेंडेंट है यहां से ऑडिटर को एविडेंस मिलते हैं इसलिए अकाउंटिंग सिस्टम में इन चीजों की जो अहमियत ऑडिटर के लिए वो बहुत ज्यादा फिर नेक्स्ट

फलाने फ़लाने फ़िक्स्ड एसेट का टी अकाउंट बना हुआ है, लेज़र अकाउंट बना हुआ है वहां से वेरीफाई कर लीजिए कि हमने ये चीजें परचेज की थी लेकिन आप कहते हैं कि यही वेरिफिकेशन काफी नहीं है आपको फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं है, अगर बनाया हुआ तो लाजमन कोई हैंकी पैंकी है शक में पड़ जाते हैं आप इसलिए जरूरी समझते हैं कि इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स का मेंटेन होना जो है उस एंटिटी की ट्रू एंड फेयर पिक्चर पेश करने के लिए जरूरी है लिहाजा ये बुक्स ऑफ अकाउंट इसके बारे में आपको मालूम होना जरूरी है फिर उन बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस पे बेस करके बनाई जाती हैं, उनका प्रॉपरली वक्त पर बनाया जाना इसका इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है किसको सर्कुलेट की जाती हैं, क्या वो वाकई सर्कुलेट हो गई है उसकी इंफॉर्मेशन आपको होना जरूरी है क्योंकि फाइनली ऑडिटर ने इन्हीं चीजों के बारे में तो एक ओपिनियन देना होता है किया बात को सो so, इसलिए ऑडिटर को ये तमाम इंफॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है कौन सी इंफॉर्मेशन स्टेचुटरी रिक्वायरमेंट्स रिगार्डिंग द कंपनी अकाउंट ओके ओके जी दिस इज ऑल अबाउट फॉर आर टुडेज लेक्चर इन शाह तुम्हारे नेक्स्ट लेक्चर में यू ही बातें आगे बढ़ती चली जाएंगी और आप बाय द टाइम ऑडिटर बन जाएंगे इजाजत दीजिएगा अल्लाह हाफिज